हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल फैन वांग सन एंड सैन वांग सो गाइस हम अपनी स्टोरी ये सोलमट इन द वर्ल्ड ऑफ एनिमीज का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गई हूँ मैं और चलिए हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं पार्ट फाइव को ओके okay? सो so, हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वीग ने कुछ बहुत ही बड़ा चीज़ देख लिया था वांग जी को अपने रियल फॉर्म में देख लिया था जिसके कारण से विंग अपने सदमे में पहुंच गया था बहुत भयंकर उसको झटका लगा था सो so, अभी हम आगे देखते हैं वांग जी वांग जी का सीन दिखाता है वांगजी जी जो कि अपने केचड़ी को वो निकाल दिया था निकालने के बाद वो थोड़ा सा घास पे मतलब वो मैदान था ना तो वहाँ पे घास जो था ना वहाँ पे खुद के बॉडी को रफ करता है पहले स्नेक रूप में ही और उसको थोड़ा सा मतलब वो होता है ना कुछ मतलब उसके बॉडी से उसका केचड़ी निकला है तो उसकी बॉडी में खुजली तो होगा ही तो वो पूरा अपने बॉडी को पूरा रब करता है और पूरा तरीके से साफ करता है अपनी बॉडी को उसके बाद वो थोड़ा सा सांस मतलब थोड़ा सा स्नेक रूप में ही आ, बैठा रहता है उसके बाद वो अपने इंसान के रूप में आ जाता है मतलब अपने ह्यूमंस के रूप में आ जाता है जैसे ही वो अपने रूप में आता है तो वो खड़ा होता है खड़ा होने के बाद वो अपने हाथों को देखता है उस पर अभी भी वो जैसे नागों का वो जो स्केल स्किन आता है ना सांप का वैसा स्किन आ रहा था तो वो अपने स्किन को थोड़ा सा हाथ से रफ करता है और फिर अपने मन में सोचता है वांग जी ऐसे भी हो अभी ही होना था एक काम करता हूँ मैं विंग को मैसेज कर देता हूँ वरना इधर ना आ जाए और मैं घर चला जाता हूँ ऐसा बोल के वो फ़ोन निकालता है और विंग को मैसेज करता है विंग मैसेज में वो लिखता है कि विंग हम मैं अभी घर जा रहा हूँ हम कल मिलेंगे कल सुबह मिलेंगे मुझे अभी कुछ ठीक नहीं लग रहा है और मेरे फादर बुला आई I मीन mean, मेरे ब्रदर और मेरे अंकल मुझे बुला रहे हैं तो मैं मैं जा रहा हूँ घर तो वो ऐसा बोल के बाय लिखता है तो उस तरफ विंग विंग जिसके फ़ोन में टन सने मैसेज भेजता है और उसके बाद विंग अपना फ़ोन निकालता है वो अभी भी, भी सदमे ही था सदमे में ही था वो वांग जी की तरफ ही देख रहा था और वो उसी हालत में वो फ़ोन निकालता है फिर धीरे से अपने नज़रों को उस फ़ोन की तरफ देख करता है फ़ोन को ऑन करता है और उस मैसेज को पढ़ता है उसके बाद वो लिखते आ, आ, ओके ए, इट्स ओके आ, मैं भी नहीं आ पाऊँगा मुझे भी कुछ काम है आ, तो बाय एंड गुड नाइट ऐसा लिख देता है और इस तरफ से वांग जी भी देखता है मैसेज और एक स्माइल करता है और वो फिर फिर से वो अपने नाग के रूप में आ जाता है और वहाँ पे मतलब एक जगह पे वो एक फूक मारता है जिससे एक पोर्टल खुल जाता है मतलब अब उसके दुनिया में जाने का रास्ता और फिर वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि इस टाइम पे उसे थोड़ा देर और और थोड़ा देर के लिए उसे स्नैक के रूप में था रहना था इसीलिए वो स्नैक रूप में ही वो जाता है नागलोक वहा वज जी को ऐसा करता देख वींग तो और सदमे में चला जाता है और वो वहाँ पे मतलब उसके बगल में वो मतलब जैसे गार्डन में वो रहता है ना क्या बोलते हैं मेज या फिर टेबल जो भी वो बोलते हैं उसे तो वहाँ पे वो ना बैठ जाता है बैठने के बाद वो अपने सदमे में ही सोचता है इसका मतलब ये तो ये तो नागलोक से क्या ये नागलोक का कोई एक मिनट यानी कि नागलो का प -प 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 प्रिंस है ओ माय गॉड कहीं कहीं मेरे और इसकी वजह से युद्ध ना हो जाए हमार हम दोनों के बीच में ऐसा बोलकर विंग एक गल्प करता है उसके बाद वो बोलता है नहीं 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 ये चाहे कुछ भी हो ये मेरा सोलमेट है मैं मैं इसे छोड़ नहीं सकता चाहे कोई भी युद्ध हो मैं मैं इसे छोडूंगा नहीं मैं, मैं मैं क्या करूं अब मैं अब क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा है अगर इसे पता चला कि मैं मैं, मैं, मैं ची लूँ तो, 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 तो पता नहीं क्या क्या ही कर देगा हे भगवान अरे यार क्या हो गया मुझे अब समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं मैं क्या करूं उसके बाद वी फटाफट उठता है और एक मतलब वो अपने घर का पोर्टल खोलता है और वो घुस जाता है और अपने घर पे चला जाता है और अपने अपने महल में मतलब वो एंट्री करता है और उसके बाद वो इधर से उधर उधर से इधर चक्कर लगाना स्टार्ट कर देता है और यही सोच रहा था कि किस तरीके से वांगजी अपने स्नैक के रूप में आया उसके बाद वो कैसे अपना केचलिन निकाला फिर अपने इंसान रूप में आया फिर से मतलब स्नेक के रूप में आके फिर पोर्टल खोल के वो चला गया ये सब उसके माइंड में घूम रहा था इतनी मतलब इतना ज्यादा वो उसके माइंड में घूम रहा था ना कि उसे उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है वो कभी इधर मतलब कभी इधर चल रहा है तो कभी उधर चल रहा है और वो पूरा मैल में चक्कर लगा रहा है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे वो दोनों तो मतलब वो और चील चील और स्नैक में तो इतना भयंकर वाला लड़ाई है तो है मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ बस यही सोच रहा था उसके बाद विंग पहले गहरी से सांस छोड़ता है मतलब लेता है और फिर छोड़ता है और फिर बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए वो मेरा सोलमेट है भले ही वो नागलोक का प्रिंस ही क्यों ना हो वो है तो मेरा सोलमेट ही ना मैं क्या करूँ उफ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है बस मुझे इतना पता है वो मेरा सोलमेट है और मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ और मैं मैं उसे अपने अपने से दूर नहीं जाने देना चाहता मैं मैं उसे बताऊंगा नहीं कि मैं मैं ची लूँ हाँ वरना फिर वरना फिर वो वो कहीं मेरे साथ ही ना लड़ाई कर ले उफ, मैं क्या करूँ उसके बाद वी मतलब विंग तो इसी तरह मतलब टेंशन में चक्कर लगाता है और फिर अपने रूम में जाके यही सब सोचते सोचते वो सोचाता है कब उसे पता नहीं चलता है अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते वहाँ जी जो कि एक गार्डन में बैठा हुआ है वापस वो ह्यूमंस की दुनिया में आ चुका है और वो एक गार्डन में बैठा हुआ है और आज का मौसम कुछ ज़्यादा ही सुखाना है यही सोचते हुए वो काफ़ी मतलब स्माइल करते हुए वो सभी चीज़ को एंजॉय कर रहा था वो देखता है उसके आसपास एक दो कपल बैठे हुए हैं और उन कपल्स को देख के भी वो इस्माइल किया जा रहा था उसके बाद जो वाण जी है ना वो अपने फ़ोन को निकालता है और वो फिर से मैसेज करता है किसको और किसी को नहीं वींग को वो मैसेज करता है कि तुम कहाँ रह गए जल्दी आओ ना मैं कब से वेट कर रहा हूँ तो इस उस मैसेज को देखता है और फिर एक गल्प पड़ता है और फिर वो सामने दिखता है असल में विंग उस गार्डन में आ चुका था, बस वो वांग जी से थोड़ी सी दूरी पे वो एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था तो फिर वो ना उस मैसेज को देखता है और फिर अपने मन में बोलता है नहीं विंग, विंग तो तो तुम तु, तुम्हें जाना होगा तुम ऐसा नहीं कर सकते चाहे कुछ भी हो वो है तो वो है तो तेरा सोलमेट ही ना हाँ मुझे जाना होगा ऐसा बोलकर वो खुद को शांत करता है और फिर पीछे से आता है बोलता है हे hey, मैं मैं आ गया हूँ तु, तुम क्या कुछ ज़्यादा देर तक वेट कर रहे थे मेरा तो वांग जी बोलता है नहीं nah, नहीं nah, मैं थोड़ी देर पहले ही आया था आ, तुम बताओ कैसे हो आ, वैसे आज का मौसम कुछ ज़्यादा ही अच्छा है ना तो विंग भी हाँ बोलता है और वो उसी ब्रेंच पे मतलब वांगजी जिस ब्रेंच पे बैठा हुआ था उसी ब्रिंस के एकदम कॉर्नर पे मतलब ये सब मतलब उन दोनों के बीच में आम, एक हाथ की दूरी थी ये देख के ना वांगजी को थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि पहले जो विंग था ना वो मतलब वांग जी के एकदम एकदम क्लोज बैठता था और वांगजी था जो कि धीरे धीरे थोड़ा सा मतलब दूर खिसकता था और विंग था जो कि और उसके करीब आना आता था तो अभी को इतनी दूर बैठा हुआ देख के मुझे थोड़ा सा शॉक था और वो पूछता है ये तो तुम ठीक तो है ना आई मीन मतलब तुम्हें कुछ हो गया है क्या तुम ठीक हो कि नहीं तुम क्या बीमार हो गए हो क्या तो जो विंग रहता है ना वो बता एक्चुअली एक, एक ना आ, वो आ, म, मुझे ना सर्दी हो गई है ऐसा बोल के अच्छू करता है विंग और फिर बोलता है uh, um, देखा मुझे सर्दी हो गई है और मैं नहीं चाहता था कि तो तु, तुम्हें भी हो जाए इसलिए तु, तो, मैं थोड़ा सा दूर बैठा हूँ सॉरी uh, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो तो फिर वांग जी बोलता है इट्स ओके और फिर वांग जी अपने मन में बोलता है दत्त मैं भी कितना पागल हूँ मैं भी क्या क्या सोच रहा था फिर उसके बाद विंग और वांग जी थोड़ा सा बातें करते हैं बट विंग जिसके माइंड में अभी भी वो सारी बातें घूम रही थी रात में जो भी चीज़ देखा था ना विंग ने वो सब अभी भी विंग के माइंड में ऐसे घूम रही थी ना जैसे कि अभी वो देखा हो सो so, उसके बाद जो आ, वो बोलता है कि आ, क्या हम कहीं घूमने चले हम लोग कब से यहाँ पे बैठे हैं तो फिर विंग को याद आता है कि वो तो कब से यहीं पे बैठा हुआ है तो फिर वो फटाफट उठ जाता है उस जगह से और बोलता है सर सॉरी भूल गया कि हमें घूमने जाना चाहिए था आ, चलो हम लोग थोड़ा सा मौसम का मजा लेते हैं तो फिर वांगची जी एक स्माइल करता है और फिर उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर बोलता है चलो विंग जब वो दिखता है कि वांगजी उसका हाथ पकड़ा है वो उसका तो मतलब जैसे फेफड़ा दिल किडनी सब कुछ बाहर आ जाता उसे ऐसा फील हो रहा था और उसका दिल इतना तो ज़ोर ज़ोर से धक 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 कर रहा था फिर वो खुद को शांत करता है ख़ुद को कंट्रोल करता है उसके बाद वो उसके साथ स्माइल करके जाने लगता है फिर उसके मन में पता नहीं क्या चलता है वो बोलता है आ, आ, वैसे लहन सहन तुम्हें तुम्हें पता है मैंने आ, कुछ बुक्स में पढ़ी हैं कि आ, कोई नागलोक नागलोक नाम का कोई दुनिया भी है साथ ही साथ चील लोग नाम का भी कोई दुनिया है तुम्हें क्या लगता है क्या ये सच है ये सुन के ना वांग जी थोड़ा सा एकदम रुक जाता है उसे रुकता देख विंग मतलब थोड़ा सा घबरा जाता है कि इसे क्या हुआ ये क्यों रुक गया तो वांग जी बोलता है आ, होगा बुक्स में तो झूठ नहीं ना लिखा होगा अगर बुक्स में लिखा है तो वो सच में होगा फिर इसके बाद जो विंग रहता है ना वो बोलता है अच्छा आ, वैसे कुछ सवाल पूछो मैं तुमसे तो वांग जी बोलता है हम्म पूछो तो फिर विंग बोलता है डरते थोड़ा सा डरते और घबराते हुए बोलता है तो तो अगर तो अगर तुम्हारा मेट मैं नहीं होता और उसके बदले में कोई नाग या फिर कोई चील होता तो क्या होता तो जो वांगजी रहते ना वो बोलता है अगर तुम्हारे बदले में कोई नाग रहता मेरा सोलमेट तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता तो ये सुन के ना विंग अपने मन में ही मुंह बनाता बोलता है क्यों ही होगा प्रॉब्लम तुम खुद ही नाग हो जो कि तो एक नाग को अपने ही मतलब जेंडर के साथ आई I मीन mean, नाग के साथ सोलमेट बनने में क्या ही प्रॉब्लम होगा ऐसा बोल के वो मुंह टेढ़ा बड़ा करने लगता है और फिर बोलता है और अगर नाग ना होकर चील होता तो, तो फिर वांग जी ना थोड़ा सा मतलब गंभीर हो जाता है और वो जो अपना हाथ है ना वो अपने चिक्स पे थोड़ा सा टप टप करते हुए बोलता है चील हम्म अगर मेरा सोलमेट चील होता तो तो क्या मैं उससे मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता और मैं उसे मार देता ये सुन के विंग की आंखें इतनी, इतनी 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 बड़ी हो जाती ना कि जैसे आंख उसका अभी बाहर आ जाएगा और डर के मारे उसका आंख ही भाग जाएगा तो विंग फिर खुद को काम करता है और फिर बोलते आ, ऐसा क्यों फिर वांग जी बोलते हैं क्योंकि जो चील्स होते हैं ना वो लोग काला जादू जानते हैं ब्लैक मैजिक ब्लैक मैजिक हाँ यू you नो know? तो विंग हाँ मैं सही लाता है और बोलता है हाँ हाँ मुझे पता है ब्लैक मैजिक तो फिर वंगजी जो है ना वो बोलते हैं हम हम नाग लोग बहुत ही ज़्यादा प्योर होते हैं हम लोग ज़्यादातर प्योर ब्लड से होते हैं तो हमारे हाँ, आस पास भी अगर कोई नेगेटिव एनर्जी होता है ना तो हमें उससे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है इसलिए मुझे वो लोग ज़्यादा पसंद नहीं है ऐसा मैंने पढ़ा है मतलब माँ जी को फिर याद आता है कि वो क्या बोल रहा है तो फिर वो ना बोलता है कि आ, ऐसा मैंने कि किताबों में पढ़ा है कि आ, अगर आ, मतलब नागों के आसपास अगर कोई चील जाता है आई I मीन mean, चील्स तो ब्लैक पावर्स का यूज़ करते ना तो वो मतलब अगर उसके पास जाएंगे तो उन नागों के ऊपर ब्लैक पावर का यूज़ होगा तो वो लोग मतलब कुछ जो नाग होते शायद वो मतलब के राख हो जाते हैं फिर उनकी दीदी डेथ हो जाती है तो वग ना उसे एक नेरो आय से देखता है बोलता है तुम्हें ये सब कैसे पता तो ना वांग जी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और फिर बोलते हैं अरे मैंने बुक्स में पढ़ा है तो वोलता है कौन सा बुक जरा मुझे भी तो नाम पता ना मैं भी तो जरा पढ़ूँ मुझे भी बहुत इंटरेस्ट है ये सब में ये सुन के ना वांग जी के पसीने छूटने लगते और बोलता है अपने मन में अरे ये मैंने क्या मुंह से निकाल दिया अरे यार मैं क्या करूँ मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है आपको कौन सा बुक का नाम बताऊँ फिर ना वो रैंडम ही किसी एक बुक का नाम ले लेता है और बोलता है कि आ, ये यही बुक है तो ना विंग ऐसे वांग जी को देखते हैं ना कि जैसे ये क्या मेरे को बेवकूफ़ समझता है मतलब ऐसे वो देखता है वांग जी को और अपने मन में विंग बोलता है क्या मैं कोई बेवकूफ हूँ जो ये मुझे बेवकूफ बना रहा है फिर वो बोलता है मतलब तो फालतू में ही इससे डर रहा था ये तो खुद ही चील से डरता है ऐसा बोल के वो अब नॉर्मल हो जाता है मतलब पहले डर डर के चल रहा था ना बट अब नॉर्मल हो जाता है और एकदम सीधा एकदम जैसे बहुत ही कोई एक सूरवीर एक योद्धा चलता है ना वैसे ही सीना तान के चल रहा था और फिर बोलता था अच्छा ये बुक का नाम है तो ठीक है मैं आज ही लाइब्रेरी जाके इस बुक को ढूंढता ये सुन के की आंखें एकदम बड़ी बड़ी फिर भी, भी बोलते अरे क्या बोल रहे हो अभी कोई याद आया मुझे इस ऑथर का तो मैंने बुक्स पढ़ा है मैंने पढ़ा है पर वो ऐसी बुक्स तो और नहीं लिखता जहाँ तक कि मुझे याद है मैंने तो इसकी बहुत सारी बुक्स पढ़े है तो ऐसा कौन सा बुक्स था जो कि मेरे हाथों बुक मतलब वो बच गया मैंने उसे पढ़ा ही नहीं तो फिर क्या की ये बात सुन के वांग जी का तो मतलब जैसे मुंह ही खुला का खुला रह गया अब वो अपने मन में बोलते हैं ये ये क्या बोल रहा है मैं तो मैं तो नॉर्मल ही ऐसे बोल दिया था कोई भी बुक का नाम ले दिया था और ये, ये, ये तो उससे ऑलरेडी पढ़ा हुआ है नो मैं यह करूँ मैं क्या करूँ कुछ कुछ तो आईडिया मुझे फिर ना वांग जी बोलता है अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं एक्चुअली वो बुक्स ना Um, uh, मैं मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ा था बहुत टाइम पहले आई uh, थिंक अभी तो वो शायद बैंड हो गई होगी या फिर ख़त्म हो गई होगी उसका कलेक्शन तो विंग बोलते हैं ऐ बुक्स का भी कलेक्शन ख़त्म होता है उसे तो ये मतलब उसे कॉपी करके उसे फिर से जी यूज़ कर सकते हैं तो जो वहीं जी जो तो ना बोलता है अपने मन में बोलते हैं अरे ये ये लड़का कब से क्या ही बोलते जा रहा है मैं अब इसका आंसर क्या ही दू मुझे समझ ही नहीं आ रहा है उफ। मैं अब क्या करूँ सो गाइस आज का पाठ हम यहीं तक रखते हैं आपको क्या लगता है वीन के इस अटपटे सवाल का क्या वांग जी आंसर दे पाएगा और वाक जी अपने ही बातों के चाल में फंस रहा है आपको नहीं लगता है <laughs> बेस। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि आगे क्या होगा वांग जी क्या खुद को मतलब बचा पाएगा चील से मतलब अपने सोलमेट से और चील जिसे एक नया सच पता चला है कि नाग लोग उनके ब्लैक पावर की वजह से उनसे नफरत करते हैं अब विंक क्या करेगा आगे जानने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिएगा ओके और अगर आपको अब तक की स्टोरी पसंद आई है तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब ताकि आपको मेरी स्टोरी का हर एक नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके और आप सबसे पहले सुन सके ओके और हाँ कमेंट करके मुझे बताना मत भूलेगा कि आपको ये पट कैसे लगा ओके गाइस सो so, हम कल मिलेंगे बाय बाय गाइस